तो हेलो दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर में, अपने प्ले स्टोर में या फिर एक्सबॉक्स में रेड डेड रिडेम्पशन 2 का सेव फाइल लोकेशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपके पीसी में आप डिस पीसी में जाएंगे, फिर सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे आपको यूज़र्स दिखाई देंगे, यहाँ पे जाएंगे और आपका जो ऊपर का जो यूज़र नेम है उसमें जाएंगे। फिर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे रॉकस्टार गेम्स का जो फोल्डर है उसमें जाएंगे और जितने भी रॉकस्टार गेम्स का फोल्डर है वहाँ पे आपको रेड डेड रिडेम्पशन 2 मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद दो फोल्डर मिलेगा, प्रोफाइल एंड सेटिंग्स। आपको प्रोफाइल में जाना है और जो ये फोल्डर आप देख पा रहे हैं ये रैंडम लिखा रहता है, आपके वहाँ पे नंबर अलग होगा, तो आप यहाँ पे जाएंगे और अंदर आपको सेव फाइल का लोकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप बैकअप भी कर सकते हैं या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके सेव फाइल यहाँ पे लेके रख सकते हैं और जब आप गेम को लोड करेंगे तो आपको ये सेव फाइल मिल जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर में हैं या फिर एक्सबॉक्स में हैं तो ये रहा प्ले स्टेशन का लोकेशन। सेटिंग्स में उसके बाद एप्लीकेशन सेव्ड डेटा मैनेजमेंट, उसके बाद सेव्ड डेटा इन सिस्टम स्टोरेज, उसके बाद रेड डेड रिडेम्पशन 2 फोल्डर, और एक्सबॉक्स में माई गेम्स एंड एप्स, उसके बाद रेड डेड रिडेम्पशन 2, उसके बाद मेनू, उसके बाद मैनेज गेम और उसके अंदर आपको सेव्ड डेटा मिलेगा। तो मैं इस स्क्रीन को थोड़े देर के लिए रख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो।